हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीजाद। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये वेजिटेबल चिकन फ्राइड राइस, जो कि है बहुत इजी और विद लेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। लेट्स गेट गोइंग। सो फ्रेंड्स, चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप स्टीम्ड राइस। अगर आप चाहें तो कुक्ड राइस भी ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है कैरेट 1/2 कप। मैंने यहाँ पे अनियन लिया है 1 कप रफली चॉप। यहाँ पे मैंने बीन्स ली है 1/3 कप। 1/2 कप मैंने यहाँ पर कैबेज लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कैप्सिकम 1/3 कप। और मैंने जिंजर गार्लिक को क्रश कर लिया है। यहाँ मैंने चिकन को मैरिनेट करके उसे डीप फ्राई कर लिया है और उसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी मेरी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है स्प्रिंग ऑनियन वाइट, स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन्स गार्निश करने के लिए। यहाँ मैंने लिया है सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये है टमेटो केचप 1 टीस्पून। ये है रेड चिली सॉस 1 टीस्पून। ये है विनेगर 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून और लाइट सोया सॉस 1 टेबलस्पून। और ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून। सो फ्रेंड, शुरू करते हैं राइस बनाना। यहाँ सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका है और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये चॉप्ड जिंजर गार्लिक। इसे मैं थोड़े चौपे कर लूँगी। हमें इसे एकदम ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें मैं डालूँगी ये वाइट स्प्रिंग ऑनियन कट्स। और फ्रेंड्स, अब 1 बाय 1 करके मैं सारी वेजिटेबल्स डालने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा सौते करके। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, हमें किसी भी वेजिटेबल को ओवर कुक नहीं करना है। फ्राइड राइस में वेजिटेबल्स का क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब मैं डालूंगी यहाँ पर बीन्स, कैरेट्स, कैप्सिकम एंड कैबेज। क्योंकि फ्रेंड्स ये वेज फ्राइड राइस वेजिटेबल फ्राइड राइस है, चिकन फ्राइड राइस है, हमने इसे ढक कर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। नहीं तो पूरी जो वेजिटेबल्स है वो बहुत नरम हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और हमें चाहिए क्रंची टेस्ट वेजिटेबल्स का। सो एट दिस स्टेज अब मैं यहाँ पर डालूँगी ये लाइट सोया सॉस, ये विनेगर, सॉल्ट की टेस्ट, रेड चिली सॉस, ब्लैक पेपर एंड फाइनली ये टमेटो सॉस। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। सिर्फ लाइट सोया सॉस डालने का फायदा ये होता है कि आपकी राइस एकदम डार्क डार्क नहीं लगते हैं, उसका कलर थोड़ा सा खिला खिला रखता है, वेजिटेबल थोड़े क्लियर दिखते हैं। और अब मैं फाइनली इसमें डालूंगी ये चिकन पीसेस।
30 सेकेंड्स के लिए मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। एंड फाइनली फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये राइस। आपने इन सब वेजिटेबल्स को चिकन को राइस मिक्स को मिक्स कर लेना है। तो हमारी वेजिटेबल चिकन फ्राइड राइस रेडी है और मैं इसे अब सर्विंग डिश में सर्व करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स आवर डिलीशियस वेजिटेबल चिकन फ्राइड राइस इज रेडी। आप इसे सेजवान सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं या आप इसे चिकन मंचूरियन वेज मंचूरियन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए है इतना। प्लीज़ कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।